हेलो एंड वेलकम टू द सिक्स लेक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर सीरीज़। इस सीरीज़ में अभी तक हम बात कर चुके हैं मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर, इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन एंड रोमनेस्क्यू आर्किटेक्चर के बारे में। अगर आपने वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ये सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे गोथिक आर्किटेक्चर के बारे में। हम जानेंगे गोथिक आर्किटेक्चर का क्या ओरिजिन था, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे और कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो आज उन गोथिक आर्किटेक्चर से रिजेंबल करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल आर्क स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अब वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे सीरीज़ में जितने भी वीडियोज़ में पीडीएफ से डिस्कस करता हूँ आप वो सारी पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो श्योर यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग माई टेलीग्राम चैनल। स्टार्टिंग विद गोथिक आर्किटेक्चर। गोथिक आर्किटेक्चर में हम बात करेंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ गोथिक आर्किटेक्चर और कंपैरिजन बिटवीन टाइप्स। हम बेसिकली दो तीन टाइप्स के गोथिक आर्किटेक्चर देखेंगे अलग अलग एरिया के। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। बेसिकली 12th से 15th सेंचुरी के बीच में ज़्यादा प्रिवेल रहा था गोथिक आर्किटेक्चर। तो गोथिक आर्किटेक्चर मेनली जो स्टार्ट हुआ था फ्रांस से स्टार्ट हुआ था और जो इनके आर्किटेक्ट्स हैं गोथिक आर्किटेक्चर के जो आर्किटेक्ट्स हैं वो इंस्पायर हुए थे रोमनेस्क्यू आर्किटेक्चर से। बेसिकली रोमनेस्क्यू आर्किटेक्चर के बाद आया था तो इसीलिए रोमन आर्किटेक्चर से इसकी काफ़ी हद तक ज़्यादा इंस्पिरेशंस लिए हैं। और इसमें जो मेन जो फीचर्स हमें देखने को मिलता है वो पॉइंटेड आर्चेस और बटरेसेस, फ्लाइंग बटरेसेस का देखने को मिलता है। जो पॉइंटेड आर्चेस है ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे स्पेनिश मोरिस आर्किटेक्चर से। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो गोथिक आर्किटेक्चर है वो रोमनेस्क्यू आर्किटेक्चर और स्पेनिश मोरिस आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। तो हम बेसिकली जो गोथिक आर्किटेक्चर्स की बिल्डिंग है ना बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई करना, इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चरल फीचर्स जिसमें हम इंक्लूड करते हैं आर्चेस, रिब्ड वॉल्टेड और फ्लाइंग बटरसेस। मतलब आपको कहीं पर भी फ्लाइंग बटरस का दिखाई दिया, मैं आपको दिखाऊंगा इसकी इमेज कैसी होती है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहीं पर भी फ्लाइंग बटरस दिखाई दिया आपको किसी भी बिल्डिंग में तो आप तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाँ ये गोथिक आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है। तो ये सारी चीज़ें कुछ हम देखेंगे अभी आगे वीडियो में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक फीचर्स के बारे में। साथ ही साथ हमें एक और फीचर यहाँ पे गोथिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है, इसकी स्टेन्ड ग्लास विंडोज़। मतलब यहाँ पर ग्लास विंडोज़ का यूज़ होने लगा है और वो भी स्टेन्ड ग्लास विंडो, मतलब कलरफुल ग्लास की विंडोज़ भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने देखने को मिला है यहाँ पर। बेसिकली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये इसका कुछ हिस्ट्री था। और एक हम हिस्ट्री में एक और पॉइंट ऐड करेंगे, अबोट शुगेर, ये एक आर्किटेक्ट थे, बेसिकली ये फाउंडर ऑफ गोथिक आर्किटेक्चर। तो ये 1080 मतलब 1081 से लेके 1151 तक इनकी लाइफ स्टाइल थी। ओके तो डिस्कस करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्लासिफाई कर लेंगे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स में, स्ट्रक्चरली, विजुअल और सिम्बॉलिक में। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे तो जो इसका स्ट्रक्चरली वाइज ये जो आर्किटेक्चर है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा स्केलेटन स्टोन आर्किटेक्चर। अब स्केलेटन स्टोन आर्किटेक्चर से इसका क्या मतलब है, मतलब है आपको जगह जगह इस आर्किटेक्चर में, बिल्डिंग में जगह जगह आपको स्केलेटन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को देख लेते हैं तो इस इमेज में हमें देखने को मिलेगा ये जो लाइनिंग्स हैं, रिब्स हैं, वॉल्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे लगेगा कि हाँ ये बिल्डिंग का करेक्ट स्केलेटन है। और मेनली ये स्केलेटन जो फीचर्स हैं यही लगभग पूरी बिल्डिंग का लोड को कैरी करता है। तो इस स्ट्रक्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रक्चर को लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर एलिमेंट्स हैं इस स्ट्रक्चरल में। अब विजुअल में हम देखेंगे जो विजुअल आर्ट्स, यहाँ पे आर्ट्स और स्कल्पचर्स का ज़्यादातर इसमें यूज़ किया गया है और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे लाइट। हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर गोथिक में जितने भी आर्किटेक्चर है ये ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा एस्थेटिकली लुकिंग गुड आर्किटेक्चर है एज़ कम्पेयर टू देयर प्रीवियस आर्किटेक्चर। जितने रोमन, ग्रीक और रोमनेस्क्यू आर्किटेक्चर अभी तक हमने डिस्कस किया ये उन सबसे ज़्यादा एस्थेटिकली गुड आर्किटेक्चर है। इसमें सबसे ज़्यादा लाइट जो अंदर पेनिट्रेट कर पा रही है हॉल के अंदर इस आर्किटेक्चर के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो एक टाइप ऑफ विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सिम्बॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे कि इन्होंने ना
ट्रांसलेशन ऑफ रियल इवेंट इन टू स्टोन ग्लासेस। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जितने भी बाइबल्स के स्टोरीज हैं हमें ये इनके चर्च कैथेड्रल्स में देखने को मिल जाएंगी, और तो इसी को सिम्बॉलिक कन्वर्जन कहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो एक तरह से सिंबल के रूप में इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभार कैथेड्रल्स को सर्व एज अ इमेज ऑफ हेवेंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बाइबल की स्टोरीज की जितनी भी पिक्चर्स हैं स्कल्पचर्स हैं वो देखने को मिलता है कैथेड्रल्स में। ओके, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, और आप डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, जितने भी इनके पॉइंट आउट करके रखा है यहाँ पर, जितने भी इनके आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं उनका सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर देख रखिए। एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ज़रूर इनको देख लेना, 12 आर्किटेक्चर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर प्रोवाइड है। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक्स में, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें जो मेन सबसे हमें जो पहला हमें देखने को मिल जाएगा किसी भी गोथिक आर्किटेक्चर में, वो देखने को मिलेगा पॉइंटेड आर्च। ऐसा नहीं है कि पॉइंटेड आर्च सिर्फ गोथिक आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिला था, इससे पहले हमें रोमनेस्क्यू आर्किटेक्चर में भी गोथिक आर्च देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या थी, वहाँ पर जितने भी बिल्डर्स ने पॉइंटेड आर्च रोमनेस्क्यू आर्किटेक्चर में बनाया था वो ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं था, ज़्यादा उसमें वर्क नहीं किया था, जस्ट एक पॉइंटेड आर्च उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दी थी। लेकिन हम गोथिक आर्किटेक्चर में देखते हैं तो जो पॉइंटेड आर्च है ज़्यादा डिटेल्ड है, ज़्यादा उस पर ध्यान दिया गया है और ज़्यादा कैपिटलाइज है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ज़्यादा फोकस्ड है पॉइंटेड आर्च इन गोथिक आर्किटेक्चर। सेकेंड फीचर्स का कह सकते हैं, मतलब जो पॉइंटेड आर्चेज होते हैं इससे बिल्डिंग्स की जो हाइट है काफ़ी इंक्रीज हुई, मतलब जो इसका हाइट है पॉइंटेड आर्च का काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेमी सर्कुलर और सर्कुलर आर्चेज में। ठीक है, हम इनके कुछ एडवांटेज देख लेंगे पॉइंटेड आर्च के, इन्होंने क्या एडवांटेज थे जो गोथिक आर्किटेक्चर में इनको ज़्यादा यूज़ किया गया था। तो ये लुक्ड लाइडर एंड पॉइंटेड अपवर्ड, मतलब ये कुछ इस टाइप से आर्च रहेगी तो हमेशा ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जो कि एक सिम्बॉलिक फीचर्स है, इसमें एक हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड, अगर इसकी इस फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो लोड का ट्रांसफर होता है किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, मतलब ये आर्च प्रोवाइड है तो इस पूरी बिल्डिंग का जो लोड है जो ये पॉइंटेड आर्च जैसा ट्रांसफर करती है नीचे, वो काफ़ी बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू सेमी सर्कुलर लोड, क्योंकि इसमें पूरे जो भी आर्च के स्ट्रक्चर है उसमें इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें किसी भी सर्कुलर आर्च में, तो यहाँ पर क्या होता है लोड जनरली यहाँ पर ज़्यादा रहता है और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें पॉइंटेड आर्च में देखने को नहीं मिलती है, और पॉइंटेड आर्च एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी भी होता है इसको मेनटेन करना, इसको बनाना। ओके, तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसी वजह से यहाँ पे पॉइंटेड आर्च का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिब वॉल्ट्स। बेसिकली वॉल्ट क्या होता है, ऊपर कवरिंग होती है किसी भी एरिया की, कवरिंग को हम वॉल्ट कहते हैं। लेकिन रिब वॉल्ट का मतलब है यहाँ में स्केलेटन फीचर्स देखने को मिलेगा। ये जितने भी आप यहाँ पर लाइनिंग देख रहे हैं ये एक तरह से रिब्स हैं, इनको रिब्स कहा जाता है, और ये फीचर्स हमें गोथिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। बेसिकली ये क्या, इसको हम कह सकते हैं स्केलेटन ऑफ बिल्डिंग्स। स्केलेटन ऑफ बिल्डिंग्स कहने का मतलब ये है जितनी भी पूरी बिल्डिंग का लोड है ऊपर से लेके नीचे तक, ये ट्रांसफर होते हैं थ्रू दीज रिब्स। ओके, तो यहाँ पे जितने भी रिब्स हैं वो एक्चुअली में लोड कैरिंग मेंबर्स हैं पूरी बिल्डिंग का, और देन द लोड इज ट्रांसफर फ्रॉम रिब्स टू दिस कॉलम्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरी लोड को ट्रांसफर कर रहे हैं रिब्स से कॉलम के थ्रू, और ये रिब्स को कवर कर दिया गया है। तो ये कहते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन ऑफ वॉल्टिंग एंड रिब्स। बेसिकली वॉल्ट से हम यहाँ पे देखते थे क्रॉस वॉल्ट यहाँ पे यूज़ करते थे रोमनेस्क्यू आर्किटेक्चर में, लेकिन ये उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है यहाँ पे वॉल्टिंग के फीचर्स में। तो हमें ये वॉल्टिंग देखने को मिलती है यहाँ पर। और सेकेंडली यहाँ पर हमें एक और चीज़ नोटिस करने को मिलती है कि जो इनके ये वॉल्ट्स हैं बेसिकली रिब वॉल्ट्स, ये थ्री पेयर में हमें देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए कोई एक हॉल है तो यहाँ पे इसको वॉल्टिंग करनी है तो जनरली हमें इस पूरे ये हॉल में या पूरे पाथवेज में हमें थ्री पेयर यानी कि सिक्स ही ये क्रॉस वॉल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। क्रॉस वॉल्ट्स नहीं कहेंगे, इसे रिब वॉल्ट्स कहेंगे। बेसिकली ये भी क्रॉस होता है लेकिन इसमें रिब्स भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है फ्लाइंग बटरेस, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी गोथिक बिल्डिंग का, और ये सिर्फ गोथिक बिल्डिंग में ही देखने को मिलता है। फ्लाइंग बटरेस बेसिकली क्या है, एक बटरेस है जो कि
आउटर साइड में है, मतलब किसी बिल्डिंग के आउटर में प्रोवाइड किया है बटरेस है, और इस बटरेस का मेनली जो फीचर्स होता है ये सपोर्ट करता है उस वॉल को, उस अंदर की जो आर्चीज हैं, जो इंटीरियर में जितने भी आर्चीज हैं और जो वॉल्स हाफ आर्चीज जो भी जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करता है एक्सटीरियर साइड से, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं फ्लाइंग बटरेसिस। और फ्लाइंग तो समझ में आता ही है क्योंकि ये एयर में बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, हवा में है, तो इसीलिए फ्लाइंग बटरेसिस इसका नाम दिया गया है। और ये हमें मतलब जो आप एक्सटीरियरली किसी गोथिक बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करोगे ना, तो सिर्फ इसी फ्लाइंग बटरेस की वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको किसी भी बिल्डिंग में ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया, फ्लाइंग बटरेस दिखाई दिया, आप तुरंत उस पर टिक कर दीजिए कि हाँ ये गोथिक बिल्डिंग है। सिर्फ हमें ये सिर्फ गोथिक बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इस फ्लाइंग बटरेसिस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइट की बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं। तो जितने भी इनके कैथेड्रल्स होते हैं गोथिक आर्किटेक्चर के अंडर, जितने भी कैथेड्रल्स बने हैं तो हम नोटिस करते हैं ज़्यादा हाइट के बने हैं। तो ये हाइट कौन सपोर्ट करता है, तो ये सपोर्टिंग मेंबर्स ये फ्लाइंग बटरेस के थ्रू ज़्यादा हाइट अचीव कर सकती है बिल्डिंग, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके बाद एक और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है गोथिक आर्किटेक्चर में, स्टेन्ड ग्लास विंडो। अब बेसिकली ग्लास विंडो तो हमें समझ में आता है कि भाई ग्लास की विंडो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेन्ड ग्लास विंडो मतलब कलरफुल ग्लास का यहाँ पे यूज़ किया है। इमेज में देख सकते हैं काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स यहाँ पे यूज़ किया है, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। तो इस टाइप के कलर्स में ग्लास को टिंट किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सिम्बॉलिक फीचर्स बनाए गए, चर्च, बाइबल की स्टोरीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करी ग्लास में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्यों और बिल्डिंग्स में ग्लास विंडोज का इतना यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लास विंडोज हैं गोथिक आर्किटेक्चर में काफी बड़े स्केल पर ग्लास विंडो यूज किए, मतलब जो ग्लास विंडो का साइज है वो भी काफी ज्यादा है। तो ये इस वजह से पॉसिबल हो पाया है क्योंकि जितना भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का जो लोड है वो रिब्स वॉल्ट ले पा रहे हैं, मतलब बेसिकली इन्होंने सारा स्ट्रक्चर ले लिया, जो बिल्डिंग का लोड है वो इन्हीं स्ट्रक्चर ने सारा कैरी कर लिया, रिब्स ने कैरी कर लिया, कॉलम ने कैरी कर लिया और फ्लाइंग बटरसेस ने कैरी कर लिया। तो बेसिकली जो वॉल है उसको कुछ अब कैरी करना है नहीं, तो वॉल इज लाइक मोर लाइक फ्री नाउ, उसके ऊपर अब ज़्यादा लोड नहीं है। तो वहाँ पे वॉल्स पे अगर लोड नहीं है तो उसे हम अब ग्लास पैनल उसमें यूज़ कर सकते हैं, ग्लास विंडोज यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल जो पूरी बिल्डिंग्स हैं, जो बिल्डिंग का वेट है काफ़ी लाइट वेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल को यूज़ नहीं करते हैं, अब बड़ी बड़ी ग्लास विंडो का यूज़ हो रहा है। इससे और फायदा क्या होता है, क्योंकि ग्लास विंडो का यूज़ हो रहा है तो इसीलिए जो लाइट का पेनिट्रेशन है विंडो में, अब सॉरी इंटीरियर में लाइट पेनिट्रेशन बढ़ जाता है और डे लाइट काफ़ी ज़्यादा एंटर कर जाती है बिल्डिंग के अंदर। तो आप नोटिस करेंगे जितनी भी गोथिक बिल्डिंग होती है वो अंदर से जो इनका इंटीरियर होता है काफ़ी इल्यूमिनेटेड इंटीरियर होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें डे लाइट रहती है, तो दिन में भी काफ़ी लाइट रहती है इसके अंदर। तो ये फ़ायदा रहता है ग्लास विंडो से, ठीक है। गैरगुलीज बेसिकली ये क्या होते हैं, ये स्कल्पचर्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ आउटवर्ड होते हैं मेनली। ये अब तो डेकोरेटेड फीचर्स में आप इसे काउंट कर सकते हो, लेकिन जो इनिशियली जब कंस्ट्रक्ट हुए थे तो इनका ऐसा कोई मोटिव या प्रिंसिपल नहीं था कि इनको डेकोरेशन के लिए बनाए जाएंगे। बेसिकली जो ये फाउंटेन्स है, फाउंटेन्स को रेन से प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर बनाया गया था, और यहाँ पे ज़्यादा स्कल्पचर्स का यूज़ करते हैं। सिंस यहाँ पर आप ये पॉइंट जरूर स्टडी करना, यहाँ पर क्या कहते हैं कि मेडिविल पीरियड के जो लोग थे ज़्यादा वहाँ पे पढ़ नहीं सकते थे, दे कुडंट रीड, तो इसीलिए वहाँ पे इलस्ट्रेटिंग ज़्यादा चीज़ें होने लगी, मतलब कि वहाँ पे स्कल्पचर से पेंटिंग से ज़्यादातर लोगों को समझाया जाता था जो भी स्टोरीज रहा करती थी, तो इसीलिए वहाँ पे स्कल्पचर्स काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, ठीक है। अब बात करेंगे गोथिक फ्लोर प्लान्स की। गोथिक फ्लोर प्लान बेसिकली ज़्यादा चेंजेस नहीं थे उनके फ्लोर प्लान्स में, जैसे रोमनेस्क फ्लोर प्लान्स में देखते हैं तो जितने भी जैसे भी ट्रेडिशनल बेसिलिकास होते हैं वैसा ही इनका फ्लोर प्लान रहता था। तो इसमें क्या होता था, सेंट्रली में जो सेंट्रल में एक नेव हुआ करती थी, यानी नेव एक सेंट्रल पाथवेज हुआ करता था, उसके बगल में मतलब उसके साइड में एक दो पाथ गैलरीज या फिर कह सकते हैं एक वॉकवेज रहता था जिसको आइल्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोवाइडेड रहता है, तो ये हमें देखने को मिलता है रोमनेस्क स्ट्रक्चर में भी, हमने ये सेम स्ट्रक्चर देखा था। आप गोथिक फ्लोर प्लान में ज़्यादा कुछ खास चेंजेस है नहीं, जैसा हमने रोमनेस्क आर्किटेक्चर में फ्लोर प्लान देखा था सिंपली लगभग आप 80-90% सेम ही है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये कह सकते हैं जो नेव है, जो नेव का जो रूफ है वो थोड़ा सा हाई रहता है एज कम्पेयर टू आइल्स रूफ, तो
वो थोड़ा बहुत लाइट स्लाइटली डिफरेंस है, बाकी मतलब फ्लोर प्लानिंग में एकदम पूरा सेम कह सकते हैं इसे। ओके, बात करेंगे गोथिक आर्किटेक्चर इन फ्रांस, क्योंकि ये आर्किटेक्चर फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, तो हम बात करेंगे इसका आर्किटेक्चर फ्रांस में कैसा रहा था। तो फ्रांस के अगर गोथिक आर्किटेक्चर को हमें स्टडी करना है, तो सिंपल एक बहुत बेस्ट एग्जांपल हम समझते हैं नोटर डेम कैथेड्रल। तो ये नोटर डेम कैथेड्रल्स एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, जिसे हम समझ सकते हैं बेसिकली ये क्रिश्चियन चर्च है, और उसका इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1163 में, और द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्ट्स ने यहाँ पर वर्क किया, और उन्होंने अपनी टेक्निक से इस कैथेड्रल को कंप्लीट करवाया। इसमें जो हमें समझना है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो इनकी रोज विंडो। बेसिकली यहाँ पे तीन रोज विंडो इंट्रोड्यूस करी है अलग अलग टाइम पर। तो जो मेन जो पहले जो सबसे पहले जो रोज विंडो आई थी, वो आई थी द वेस्ट रोज विंडो। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें रोज विंडो आई होप आपको समझ सबको समझ में आता होगा। तो रोज विंडो का क्या काम है, ये ग्लास विंडो थी, सर्कुलर ग्लास विंडो होती है रोज विंडो, और ये जो इसका डायमीटर था, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर था, बेसिकली 8 मीटर की डायमीटर में रोज विंडो थी, और ये 1220 ईयर में इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया था। बेसिकली यहाँ पर इस ग्लास विंडो के अंदर इमेजेस रहती हैं, ग्लासेस के ऊपर पेंटिंग की जाती हैं, तो ग्लास इनका एक थीम था। तो जो वेस्ट में जो रोज विंडो है, उसका थीम था ह्यूमन लाइफ फीचरिंग सिंबॉलिक सीन्स। मतलब यहाँ पे इस ग्लास विंडो में जो सीन्स को फीचर करती थी विंडो, ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड थी, और जियोडिक्स साइंस जो रहते थे, और लेबर्स ऑफ द मंथ्स। बेसिकली ये एक ह्यूमन लाइफ का जो लाइफ साइकिल है, और जो लेबर ऑफ मंथ, बेसिकली हम आप ऐसे समझो जो ह्यूमन से रिलेटेड ये सारी इस वेस्ट रोज विंडो को में हमें देखने को मिलता है। इसके एक्सटीरियर में एक हमें स्टैचू देखने को मिलता है एक वर्जिन का, और एक चाइल्ड एक्सेम्प्लिस बाय एंजल, जो हमें जनरली आपने देखा होगा एक चाइल्ड को एंजल के साथ, वो स्टैचू हमें देखने को मिलता है, का भी देखने को मिलता है। सेकंड बात करेंगे तो साउथ रोज विंडो। साउथ रोज विंडो इसको जस्ट इसके 40 साल बाद इसे इंस्टॉल किया था, मतलब आफ्टर 40 ईयर्स 1260 में इंस्टॉल किया था। ये जो इसका डायमीटर था यहाँ से यहाँ तक का, अराउंड 12.9 मीटर का इसका डायमीटर था, और इसमें 84 ग्लास पैनल इसमें यूज किया था, छोटे छोटे ग्लास पैनल से इसमें 84 इन नंबर ग्लास पैनल यूज किया था। बेसिक इसका जो थीम था, उसका थीम था द ट्रम्प ऑफ क्राइस्ट। बेसिकली यहाँ पे क्राइस्ट के ऊपर ये सारी थीम इस साउथ वाली रोज विंडो का था। आप नोटिस करेंगे जो वेस्ट वाली थी उसमें ह्यूमन था एज अ थीम, और यहाँ पे साउथ में क्राइस्ट है एज अ थीम। ओके, तो और ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ, ये तीन टाइप की बिल्डिंग इसमें रोज विंडोज हमें देखने को मिलती है। तो काफ़ी एक तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है नोटर डेम कैथेड्रल में, हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे गोथिक आर्किटेक्चर इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में गोथिक आर्किटेक्चर का क्या सीन था भाई? बेसिकली यहाँ पे ब्रिटेन के जो गोथिक आर्किटेक्चर है, हम उसको तीन पीरियड में या तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, द अर्ली इंग्लिश, डेकोरेटिव और परपेंडिकुलर। हम देखेंगे कि ये जो तीन टाइप से आर्किटेक्चर हैं क्या हैं, इसको एक एक बार में इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अर्ली इंग्लिश गोथिक आर्किटेक्चर। तो जो अर्ली इंग्लिश या फिर इंग्लिश गोथिक आर्किटेक्चर है, उसमें देखेंगे यहाँ पर जो पॉइंटेड आर्चिस को, इसको लेंचेट कहा गया है, और बेसिकली अर्ली इंग्लिश गोथिक आपको कभी ना देते हुए आपको लेंचेट स्टाइल आर्किटेक्चर भी देख सकते हैं, क्योंकि इसको जनरली उसका नाम ऐसा लेंचेट स्टाइल पड़ गया था, तो बेसिकली कन्फ्यूज नहीं होना। तो अर्ली इंग्लिश गोथिक इसमें पॉइंटेड आर्च का यहाँ पे यूज हुआ था। तो अब यहाँ पे इनको पॉइंटेड आर्च यहाँ पे यूज होने लगा, तो यहाँ पे जो वॉल्स हैं वो अब कम बनने लगी। पहले क्या होता था, वॉल्स ज़्यादा बनती थी, ज़्यादा मैसिव बनती थी, जो उनकी वॉल की थिकनेस थी वो ज़्यादा थिक थिक हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें लोड कैरी करना, अगर स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। लेकिन यहाँ पर सारा स्ट्रक्चर तो आर्च ही प्रोवाइड कर पा रही है, सारा लोड आर्च ही ले रही है, तो वॉल का ऐसा आपको यूज़ बचा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो वॉल है अब वो लेस मैसिव होने लगी, मतलब कि अब यहाँ पे वॉल जो है ना, उनकी जो थिकनेस है कम होती गई, और जो विंडो की ओपनिंग है वो भी बढ़ गई, क्योंकि सारा जो लोड है अब तो आर्च ले रहा है, तो आर्च के नीचे आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इनकी जो विंडो की ओपनिंग्स बढ़ गई, अब क्योंकि विंडो की ओपनिंग बढ़ गई तो वहाँ पर लाइट ज़्यादा आने लगी, एयर ज़्यादा आने लगी, और क्योंकि वॉल की थिकनेस कम हो गई तो हमें स्पेस ज़्यादा मिलने लगा। तो बेसिकली यहाँ पर इस आर्किटेक्चर के अंडर हम देखते हैं बिल्डिंग काफ़ी अच्छी होने लगी है एस्थेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हम बात करें एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अंदर के जो यूजेस हैं वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो अब यहाँ पर बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छी होने लगी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो आर्च अगर हम यूज़ कर रहे हैं विंडो में, तो बेसिकली जैसा मैंने डिस्कस किया था, तो
बिल्डिंग्स की ओवरऑल जो हाइट है ना वो भी अब बढ़ने लगी है। तो ये सब चीज़ देखने को मिलती है हमें अर्ली इंग्लिश गोथिक आर्किटेक्चर में। सेकेंड जो इसका फॉर्म है वो है डेकोरेटेड स्टाइल। डेकोरेटेड स्टाइल हमें नाम से पता चलता है यहाँ पर फोकस किया है ज़्यादा डिटेलिंग्स पर। तो जितने भी विंडोज़ के फ्लोर विंडोज़ का पैटर्न्स हैं उसकी डिटेलिंग्स, विंडोज़ के ऊपर फ्लोरल पैटर्न्स की डिटेलिंग्स और कैपिटल जो पिलर्स के कैपिटल्स कॉलम के कैपिटल्स हैं उसके ऊपर डिटेलिंग्स, तो ये सारी चीज़ें पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इसको भी इस डेकोरेटेड स्टाइल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ज्योमेट्रिक स्टाइल और कर्वीलिनियर स्टाइल। ज्योमेट्रिक स्टाइल में बेसिकली यहाँ पर बात करिए ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो भी एक कैथेड्रल में या किसी एक गोथिक बिल्डिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो वो बेसिकली स्टार्टिंग रहा था 1250 से लेकर 1290 तक के बीच में ये रहा था ज्योमेट्रिकल पैटर्न। उसके बाद ज्योमेट्रिकल पैटर्न को आगे मूव किया इन्होंने कर्वीलिनियर स्टाइल से, मतलब यहाँ पर अब कर्व लाइन का इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब ज्योमेट्रिकल यानी ज्योमेट्रिक जो स्ट्रेट लाइंस हैं उसको उन्होंने छोड़ दिया। अब कर्वीलिनियर स्टाइल इनका रहा 1290 से लेकर 1350 तक। तो ये रहा बेसिकली इसमें क्या है, डेकोरेशन और डिटेलिंग्स पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया, बिल्डिंग कैसे एस्थेटिकली अच्छी लगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेकोरेटेड स्टाइल, मतलब डेकोरेटेड स्टाइल के क्या एलिमेंट थे। तो बेसिकली बात करेंगे जो इंटीरियर है, इन्होंने इंटीरियर पे क्या वर्क किया। तो जो कॉलम्स हैं वो उनका जो सिलेंडरनेस रेशियो है, जो मतलब काफ़ी सिलेंडर होने लगे। सिलेंडरनेस रेशियो मतलब बेसिकली कॉलम कितना, कॉलम की विड्थ और कॉलम की हाइट क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि कॉलम की जो विड्थ है वो कम होने लगी और जो कॉलम की हाइट है वो ज़्यादा होने लगी, तो मोर सिलेंडर होने लगे यहाँ पर। तो ये वीज वाली काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, ऐसा हमें प्रीवियस आर्किटेक्चर स्टाइल्स में हमें देखने को नहीं मिलता। और बेसिकली इनकी जो आर्चेज हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी मोल्डेड होने लगी, पॉइंटेड आर्चेज का यूज होने लगा, जो रिब्स हैं वोल्टेड है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने लगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर इनके एलिमेंट्स में बात करेंगे वोल्टिंग्स की, क्रॉसिंग क्रॉस वोल्ट्स की, और यहाँ पे पॉइंटेड आर्च की, और इनके कॉलम्स की। तो ये तीन चीज़ आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो काफ़ी रहेगा, इनफ है एलिमेंट्स में। बात करेंगे थर्ड जो स्टाइल है इनकी, परपेंडिकुलर गोथिक स्टाइल। जो ब्रिटेन में परपेंडिकुलर गोथिक जो स्टाइल है वो आप इसको ऐसे समझें, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया वर्टिकल लाइंस पर, डोर की, विंडोज़ की, आर्चिस की, ये जो वर्टिकल लाइंस है आप इस इमेज में देखें जो ज़्यादा एम्फेसाइज है वो वर्टिकल लाइंस पर है। तो क्योंकि इन्होंने ज़्यादा फोकस किया वर्टिकल लाइंस पर तो इसीलिए ये फ्लोर से परपेंडिकुलर हो गया, तो इसीलिए इसका जिसको नाम पड़ा वो नाम से कहा जाता है इसको वर्टिकल परपेंडिकुलर गोथिक स्टाइल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर स्टाइल है। तो आप ऐसे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि जहाँ पे वर्टिकल लाइन हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ जो जिससे आप नोटिस कर सकते हैं वो हो सकता है यहाँ पे इसका केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रिब्स। तो बेसिकली यहाँ पे रिब वोल्टिंग का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर जो रिब्स हैं वो ज़्यादा लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स देन अर्लियर जो हमने फ्रांस में देखा था। फ्रांस की जितने भी रिब्स थी वो काफ़ी सिंप्लीफायर फॉर्म में थी, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा केज लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो कन्फ्यूज़न है। तो आप इस चीज़ से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर गोथिक स्टाइल। बाकी का सब सेम है, लेकिन क्योंकि इनके जो फॉर्म है जो इन्होंने एम्फेसाइज किया है एक वर्टिकल लाइंस पर और रिब्स पर, तो इसीलिए इसको परपेंडिकुलर गोथिक स्टाइल दिया। इटालियन गोथिक स्टाइल में हम बात करेंगे मिलान कैथेड्रल की। मिलान में कैथेड्रल है, काफ़ी फेमस कैथेड्रल है, वर्ल्ड्स का सेकेंड लार्जेस्ट कैथेड्रल है ये, और इसको करीब 5 सेंचुरी लग गए इसको कंप्लीट होने में। तो काफ़ी लंबा टाइम है इसको कंस्ट्रक्ट होने में, और ये सेकंड लार्जेस्ट कैथोलिक कैथेड्रल है वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें नोटिस करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका ब्रिक कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो एक्चुअल में जो बिल्डिंग है ब्रिक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, और इसके ऊपर जो मार्बल के पैनल्स लगाए गए हैं, तो जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं तो ये सारा मार्बल के पैनल्स इसमें यूज़ किए गए हैं। और जो इसकी सेंट्रल नेव है, जो ये सेंट्रल नेव है, जो इसकी हाइट है इट्स 45 मीटर, तो काफ़ी हाई हो जाता है ये, आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट ये नेव का जो हाइट है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके बाद इसमें जो फ्लाइंग बटरसेस का भी यूज़ किया, क्योंकि ये इतनी हाइट है तो इसमें फ्लाइंग बटरसेस का भी यूज़ किया गया। हम देखते हैं यहाँ पर ओपन पिनेकल्स जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसे बोलते हैं पिनेकल्स। तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिनेकल्स का यूज़ किया, तो इसे बोलता है फॉरेस्ट ऑफ पिनेकल्स। तो ये पिनेकल्स भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये बिल्डिंग की खास बात है यहाँ पर जो हमें देखने को मिलती है।
ये बिल्डिंग का एक इंटीरियर है, इंटीरियर व्यू ऑफ दिस मिलान कैथेड्रल। एक काफ़ी ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया गया है, काफ़ी लंबे टाइम तक इसका कंस्ट्रक्शन चला। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट या क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।